नमो नमः। स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों का अभिज्ञान शाकुंतलम के आज के इस पाठ में स्वागत है। छात्रों, अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 14 श्लोक और वहां तक के कथानक का अध्ययन किया है। यहां पर हमने अभी तक पढ़ा है कि राजा दुष्यंत जो है वह आश्रम में वैखानस नामक शिष्य के कहने पर, निमंत्रण पर आश्रम में प्रवेश करता है और अपने सारथी को अपने आभूषण इत्यादि उतार के विनम्रता के कारण दे देता है और साधारण वेश में प्रवेश करता है। लेकिन जो ही वह प्रवेश करता है त्यों ही उसका जो है दायना अंग फड़कता है और वह कहता है कि दायना अंग फड़कने का जो लाभ है कि उत्तम नायिका के आलिंगन प्राप्त होना, तो वह यहाँ कैसे संभव होता है। तो इस चीज़ को वह फिर कहता है इसके साथ सुक्ति जो कि महत्वपूर्ण श्लोक हमारा था कि भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अर्थात भवितव्य जो चीज़ें होती हैं उनका जो द्वार होते हैं वो सभी जगह होते हैं। तो इसी तरह जो है आगे फिर वह बढ़ता है, तभी उसको वहाँ प्रवेश करते ही क्या होता है, यहाँ से हम आज का जो है अध्ययन आरम्भ करते हैं। तो नेपथ्य में से आवाज़ आती है, इतः इतः सख्यों, सखियाँ सखियों इधर इधर। राजा कर्णम दत्वा, कान दे करके, अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम आलाप एव श्रूयते, इस वृक्षवाटिका के दाहिनी हिस्से की ओर से वार्तालाप सुनाई देता है। यावदत्र गच्छामि, तो फिर मैं यहाँ जाता हूँ, परिक्रम्य अवलोक्य च, घूम करके देख करके, अरे एतास तपस्वी कन्यका स्वप्रमाणानुरूप सेचन घटे बलिपादपेभ्य पयोदातुम इतेवाभिवर्तन्ते, ये जो तपस्वी कन्याएँ हैं ये अपने प्रमाण के अनुरूप अर्थात छोटे छोटे घड़े लेकर के बलि पादप, जो छोटे छोटे पादप हैं उनके को जल देने के लिए इधर ही आ रही हैं। तो अच्छी तरह से देख करके कहता है, ओहो मधुरम आसाम दर्शनम, इनका दर्शन तो बहुत अच्छा है, इनको देखना तो बहुत आनंदकर है। फिर क्या कहता है वह, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु राष्ट्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैरुद्यानलता वनलता भी, यावद इमाम छाया माश्रित्य प्रतिपालयामि, तो फिर मैं इस छाया में खड़ा होकर के देखता हूँ। तो यह कहता है, इसका अन्वय देखें, शुद्धांत दुर्लभम, शुद्धांत का तात्पर्य होता है प्रसाद, महल, महलों में शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु, यदि महलों में दुर्लभ, महलों में भी जो नहीं मिल पाता है वह इदम वपु यानी यह वपु यानी सुंदर शरीर या सौंदर्य, यदि आश्रमवासिन है जनस्य, आश्रमवासिन अर्थात आश्रम में रहने वाले, वन में निवास करने वाले जन का है, तो खलु निश्चित रूप से उद्यान लताहा, उद्यान की जो लताएं हैं वो वन की लताओं के द्वारा गुणों से, गुणई गुणों के द्वारा दूरी कृता अर्थात दूर कर दी गई हैं। तो शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु, वन में रहने वाले, वंतपुर में भी जो न मिले, महल में भी जो न मिले, वहाँ पर जो दुर्लभ बहुत मुश्किल से मिलने वाला इदम वपु यानी यह शरीर, यदि आश्रमवासी न जनस्य, यदि आश्रमवासी व्यक्ति का है तो मान ये निश्चित रूप से उद्यान की लताएं जो है वन की लता के द्वारा गुणों से दूर कर दी गई, अपमानित नीचे कर दी गई है, तिरस्कृत कर दी गई है। तो यहाँ पर एक बात जो राजा के द्वारा कही गई है कि वस्तुतः वन में रहने वाले व्यक्ति को न इतना श्रृंगार, न उपभोग की वस्तुएं मिलती है, न उसका उस तरह से जो है उसकी परिवर्धन होता है, तो भी उस व्यक्ति का सौंदर्य या उसका व्यक्तित्व या उसका जो इस तरह से जो यह सौंदर्य दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से जो हमारे अंतःपुर की जो रानियों इत्यादि का सौंदर्य वस्तुतः वो तो अनेक प्रकार के सौंदर्य साधनों का उपयोग करके अपने आप को, अपने रूप श्रृंगार को बनाए रखती हैं, तो उनका सौंदर्य जो है इस तपस्वी कन्या के सौंदर्य से निश्चित रूप से तिरस्कृत कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये राजा ने एक तरह से शकुंतला के जो सौंदर्य है इन तपस्वी कन्याओं का, तपस्वी कन्या शकुंतला और उनके साथ जो उसकी दो सखियाँ हैं अनुसूया और प्रियंवदा, उन सभी के सौंदर्य की एक तरह से समष्टि रूप से उनकी प्रशंसा की है। तो इसकी व्याख्या देखेंगे, शुद्धांते राजप्रसादे दुर्लभम दुष्प्राप्यम, राजप्रसाद दुष्प्राप्यम दुर्लभम वा इदम सम्मुखम वपु शरीरम शरीर लावण्यम वा, यदि चेत आश्रमे वस्तु शीलम यस्य
यस्य तस्य आश्रमवासिनः, आश्रमवासिनः आश्रम निवासिनः शकुंतलस्य जनस्य अस्ति चेत् खलु निश्चयेन वनलता भी अप्रयत्न परिवर्धिता भी अकृत्रिमा भी। वनलता भी अर्थात वनोद्भूता भी गुणैः स्वकीयैः सौगन्ध सौकुमार्यादिभिः गुणैः उद्यानलता अत्यंत आयास अत्यंत परिवर्तन परिवर्धिता भी परिवर्धिता उपवनलता दूरीकृता तिरस्कृता परास्ता। वन में रहने वाली लताओं के वन में होने वाली लताओं के द्वारा उद्यान की लताएं मानो तिरस्कृत कर दी गई हैं। यदि ऐसा रूप जो है हमें देखने को मिला है जो कि महलों में भी दुर्लभ है, तो यहाँ पर वस्तुतः आर्य तो छंद है और अलंकार के विषय में विचार करें तो यहाँ पर निदर्शन अलंकार मुख्य है कि उद्यानलता और गुणलता उद्यानलता और वनलता में कोई भी यहाँ पर पूर्वार्ध उत्तरार्ध में संगति नहीं बैठती है, लेकिन दोनों का जो है पर्यवसान होता है वस्तुतः वह उपमा में होता है। अभवन वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है जो है, तो यहाँ पर पूर्वार्ध में उत्तरार्ध का जो संगति नहीं बैठती है कि वस्तुतः उद्यान लता और गुण वन लताएँ क्यों, लेकिन इसका अंत में पर्यवसान होता है कि जो ये वनवासी जो लड़कियां हैं या तपस्वी जो कन्या है वस्तुतः वनवास वनलता की तरह है और हमारी जो महलों की जो रानियां हैं वह उद्यान लता की तरह है। तो इसमें इस वाक्य का पर्यवसान होता है, अतः यहाँ पर निदर्शन अलंकार है, दोनों की समाप्ति उपमा में होती है। इसके आगे देखेंगे, उसके बाद तथा प्रविशति यथोक्त व्यापारा स सखिभ्याम शकुंतला। इसके बाद वो पेड़ों को पानी देने का अभिनय करती हुई शकुंतला का प्रवेश होता है। शकुंतला इत इत सख्य सखियों इधर इधर हला शकुंतले, अनुसुया कहती है सखी शकुंतले तत्वपि तात् काश्यपस्य आश्रम वृक्षकाः प्रियतराः इति तर्कयामि। मैं ऐसा तर्क करती हूँ कि तुमसे भी ज़्यादा तात पिता कश्यप को पिता कर्म को आश्रम के वृक्ष प्रिय हैं, क्योंकि नवमालिका कुसुम पेलवापी तुम एतेषाम आलवाल पूर्णे नियुक्ता, क्योंकि नवमालिका के फूल से भी ज़्यादा कोमल तुम इनके जो आसपास जो पेड़ का जो गड्ढा बनाया होता है पानी जिसमें भरा जाता है जिसे हम देसी भाषा में थाला बोलते हैं, तो उसको भरने के लिए तुम नियुक्त की गई हो। अर्थात तुम तो फूल से भी ज़्यादा कोमल इन पेड़ पौधों को पानी पिलाने के लिए नियुक्त की गई हो, इसका मतलब तुम पिताश्री को इनसे ज़्यादा तुमसे ज़्यादा ये पौधे प्रिय हैं। तो शकुंतला कहती है न केवलम तात नियोग एव, नहीं केवल पिताजी का ही ऐसा पिताजी की ऐसी आज्ञा नहीं है, अस्ति में सोदर स्नेह पेतेषु, इनमें मेरा भाई बहन जैसा प्रेम है, वस्तुतः यही मेरे साथ पले बड़े हैं तो इनमें मेरा एक वस्तुतः निकट संबंधी जैसा प्रेम हो गया। यहाँ पर शकुंतला का पर्यावरण प्रेम हमें स्पष्ट देखने को मिलता है कि किस तरह से एक कन्या जिसके साथ जो है पेड़ पौधों का परिवर्धन हुआ है तो वस्तुतः वह पेड़ पौधों को भी अपने जैसा अपने भाई के बराबर मानती है, तो उस भावना से न कि किसी आज्ञा से। तो यह एक बहुत अच्छा संदेश है कि हमें भी वृक्षों का वस्तुतः परिवर्धन जब हम स्वयं वृक्षों को लगाते हैं तो उनके साथ एक हमारा प्रचन्न छुपा हुआ एक प्रत्यक्ष साया प्रत्यक्ष कह लीजिए या छुपा हुआ कह लीजिए कि स्नेह बंधन बन जाता है। उनके कुछ कटने से उनके कुछ रोग लगने से हम उदास हो जाते हैं, उनके बढ़ने से उनमें फूल खिलने से हम भी खिल उठते हैं। तो यही वही बात यहाँ पर कही गई है, इति वृक्ष सेचनम निरूपयति, ऐसा कह के वृक्ष सेचन का अभिनय करती है। उसके बाद राजा कहता है कथम यम सा कण्वद्विता, क्या यही वह कण्वद्विता है असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपहा। असाधुदर्शी अर्थात बिल्कुल काश्यप जो मुनि हैं उन्होंने ठीक नहीं किया है या ठीक से विचार नहीं कर पाए हैं, उनका यह कार्य अनुचित है। यह इमाम आश्रम धर्म में नियुक्त है, जो इस कन्या को उन्होंने आश्रम धर्म में नियुक्त किया है। क्यों उसके तर्क में यह राजा यह श्लोक रखता है, वंशस्थ छंद है इसमें, इदं किला व्याज इदं किला व्याज मनोहरं वपु तपक्षमं साधयितुं यैच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्र धारया
समिल्लतां छेत्तुं ऋषिर्व्यवस्यति। भवतु पादपांतरहित एव विश्रब्धं तावदेनां पश्यामि। पेड़ों के अंदर ही छुप करके शांतिपूर्वक आराम से इसको देखता हूँ। लेकिन ये श्लोक था उससे उसका पहले हम अनुव्याख्या देखते हैं कि अन्वय यह ऋषि जो ऋषि अव्याज मनोहरम, जो ऋषि अव्याज मनोहरम, अव्याज का मतलब होता है कपट से, अव्याज का मतलब बगैर किसी कृत्रिम साधन के जो मनोहर अर्थात स्वाभाविक सुंदर इदम वपु इस शरीर को किल निश्चित रूप से तपक्षमम तप के योग्य साधितुम यानी साधना चाहते हैं करना चाहते हैं स वह ध्रुव यानी निश्चित रूप से नीलोत्पल पत्र धार या नील कमल के पत्ते की धार से, नील कमल का फिर उसका भी पत्ता और उसकी धार से शमीलताम अर्थात एक कठोर जो शमीलता होती है उसको छेत्तुम यानी छेदने के लिए प्रयास करता है। यहाँ जो ऋषि स्वाभाविक रूप से सुंदर इस शरीर को तप के काम में लगाना चाहता है वह क्या करना चाहता है, वह निश्चित रूप से नील कमल के पत्ते की धार से समिल्लता को काटना चाहता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें निदर्शन अलंकार दिखाई देता है कि इस सुंदर शरीर को वह जो तप में लगाना चाहता है वह क्या करना चाहता है, वह वस्तुतः नील कमल के पत्ते की धार से समिल्लता को काटना चाहता है। तो दोनों अलग अलग बातें होंगी, दोनों का क्या संबंध है, इस दोनों वाक्यों की जो संगति होती है अंत में इस तरह से बैठती है कि जिस तरह से समिल्लता को नील कमल के पत्ते की धार से काटा जाना होता है उसी तरह से शकुंतला से तप का काम करवाना होगा, इसलिए नितांत रूप से यह अनुचित कार्य है, यह बहुत कोमल है, इस तरह की नील कमल के पत्ते की धार भी बहुत कोमल होती है उससे समिल्लता का कटना संभव नहीं है, उसी तरह यहाँ पर भी इससे तप होना संभव नहीं है, उसके लिए सुदृढ़ शरीर की आवश्यकता होती है। तो यह ऋषि यानी जो ऋषि अव्याज मनोहरम विशेषण है इदम वपु का, तपस्क्षम यानी तप के लिए साधना चाहता है, साध ही तुम में तुमन प्रत्यय है, इच्छति चाहता है क्रिया है, वह निश्चित रूप से नीलोत्पल पत्रधारी या तृतीय विभक्ति समिल्लता में यानी समिल्लता को द्वितीय विभक्ति एक वचन छेद तुम वही तुमन प्रत्यय है, व्यवस्थित यानी उद्योग करता है प्रयत्न करता है। तो व्यवस्थित प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। यह ऋषि कण्व है अव्याज मनोहरम स्वाभाविक सुंदरम इदम वपु दृश्यमानम शरीरम तपक्षमम तप साधन योग्यम साधयितुम संपादयितुम इच्छति वांछति सह सक वह ऋषि कण्व ध्रुवम निश्चयमेव नीलोत्पल पत्रधार्या नीलकमल दल पार्श्वभागेन नीलकमल दल पार्श्वभागेन शमीलताम शमी वृक्ष से शाखाम इतन नामक लताम छेत्तुम भेत छिन्नाम करतुम भेत्तुम वा व्यवस्थिति प्रयतते प्रवर्तते व्यवस्थिति प्रयत्नम करोति प्रयतते एव। तो यहाँ पर छंद पूर्व में बता चुका हूँ मैं वंशस्थ और अलंकार भी बता चुका हूँ निदर्शना है। आगे फिर शकुंतला कहती है सखी अनसूय अतिपिनध्यन वलकलेन प्रियम वदिया नियंत्रता अस्मी शिथिलयत्तावदेत। सखी शकुंतला कहती है सखी अनसूय संबोधन एक वचन अतिपिनध्यन अत्यधिक दृढ़ रूप से बांधे हुए अत्यधिक गट्ठे कसकर बांधे हुए वलकल के द्वारा प्रियम वदा के द्वारा मैं नियंत्रित कर दी गई हूँ। जैसे कोई वस्त्र हमारे लिए यदि फिट नहीं होता है तो हम उसमें बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो वही यहाँ पर बात हो गई है शिथिलयतावदेत। तो इस वलकल को जो मेरे वक्ष स्थल पर जो वस्त्र बंधा हुआ है वलकल इसको थोड़ा ढीला कर दो। तो निश्चित रूप से वह पीछे बंधा होता है इसलिए स्वयं ढीला नहीं कर सकते उसको, तो अनसुया तथा वैसा करती है इति शिथिलयति ऐसा कहके शिथिल कर देती है। तभी प्रियंवदा कहती है अत्र पयोधर विस्तारित्री आत्मनो यौवनम उपालभस्व। यहाँ पर तुम अपने पयोधर अर्थात स्तन प्रदेश को विस्तार देने वाले अपने यौवन को उपालंब दो। मुझे क्यों उपालंब दे रही हो, वस्तुतः यौवन के कारण तुम्हारा जो है स्तन प्रदेश बढ़ा है न कि मेरे कठिन गट्ठा बांधने से, अतः तुम उसे उपालंब दो मुझे क्यों उपालंब दे रही हो। तभी राजा कहता है कामम अनुरूपमस्या वपुषु वलकलम न पुनरलंकार श्यम न पुष्यति। निश्चित रूप से कामम अनुरूपम अस्या वपुषो वलकलम निश्चित रूप से जो इसका शरीर के अनुकूल ये वलकल है ये ऐसा नहीं कि इसकी
शरीर के अलंकार की शोभा को नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि निश्चित रूप से बढ़ा रहा है। यह वलकल भी इसके शरीर पे अच्छा लग रहा है। यह राजा इसको इस बात को कहता है कि ऐसा नहीं कि वलकल में भी यह सुंदरी जो शकुंतला अच्छी नहीं लग रही है, और उसका वर्णन करता है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्लोक है, अनेक बार पूछा जा चुका है, आप इसको तैयार रखें। आगे ध्यान दें, मालिनी छंद है, आठवें और सातवें अक्षर पर यति होती है, उसी के अनुकूल हम इसका वाचन करते हैं, आप मेरे साथ कर सकते हैं। सरसिजम अनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनमपि हिमांशौर लक्ष्मलक्ष्मी तनोति इयम अधिकमनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी किमेव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। अन्वय देखें, शैवलेन अपि अनुविद्धम सरसिजम रम्यम। शैवलेन अर्थात शैवल से अनुविद्धम यानी लगा हुआ सरसिज यानी कमल भी रम्य होता है। जिस कमल के चारों तरफ काई लगी हुई होती है तो भी वह क्या होता है, सुंदर होता है। मलिनम अपि लक्ष्म हिमांशो लक्ष्मीम तनोति अर्थात गंदा होता हुआ भी जो कलंक है या काला होता हुआ भी जो कलंक है वह हिमांशु यानी चंद्रमा की लक्ष्मी यानी शोभा को तनोति यानी बढ़ाता है। वलकलेन अपि वलकल से भी यम यानी यह तन्वी यानी है जो कृशांगी है, सुंदर पतले अंगों का होना एक सुंदरता का पर्याय माना गया है, तो वही यहाँ पर विशेषण दिया गया है कि वलकल से भी यह तन्वी जो ये कृशांगी है कृशंगों वाली है वह अधिक मनोज्ञा अत्यधिक सुंदर लग रही है। मधुराणाम मधुर जो आकृति वाले होते हैं, सुंदर आकृति वाले जो लोग होते हैं मधुर आकृतियों के लिए किम इव मंडनम न भवती, उनके लिए क्या अच्छा नहीं, क्या आभूषण नहीं होता है, बल्कि वो जो पहन ले वही उनके ऊपर अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि अच्छी चीज़ ही उनके ऊपर अच्छी लगती है, बल्कि यदि कुछ साधारण चीज़ भी वो पहन ले तो उन पर वह भी अच्छी लगती है। तो ये निश्चित रूप से यहाँ पर शकुंतला का जो प्राकृतिक उसने आभूषण जो प्राकृतिक वस्त्र जो पहन रखे हैं वलकल इत्यादि उनसे भी उसकी सुंदरता बढ़ रही है, ऐसा राजा ने वर्णन किया है। पुनः देखें इसको, शैवलेन अपि अनुविद्धम, ये सरसिज का विशेषण है, वह रम्य होता है। शैवल के अर्थात शैवाल के द्वारा लगा हुआ भी जो जो सरसिज होता है वह रम्य होता है। मलिनम अपि लक्ष्म, काला होने पर भी जो है चिन्ह हिमांशु यानी लक्ष्मी को बढ़ाता है। वलकल से भी यह तन्वी अधिक मनोज्ञ अधिक सुंदर है। मधुराणाम आकृति नाम, सुंदर आकृति वालों का क्या मंडन नहीं होता, अर्थात सब कुछ मंडन होता है। व्याख्या देखेंगे इसकी, शैवलेन जल नीलिया, जल में जो नीली नीली काई जिसे बोलते हैं हम देसी भाषा में, वह अनुविद्धम आवृतम सरसिजम कमलम रम्यम सुंदरम मलिनम कृष्णवर्णम लक्ष्म चिन्हम चिन्ह अपि कलंक अपि हिमांशो चंद्रस्य लक्ष्मीम शोभाम कांतिम वा तनोति विस्तारयति वलकलेन वलकल सदृश तुच्छ वस्त्र परिधानेनापि, या एतादृश वन्य वस्त्र परिधानेनापि इयम पूर्वदृश्यमाना तन्वी कृशांगी शकुंतला अधिक मनोज्ञा सुंदरी प्रतिभाति दृश्यते। मधुराणाम सर्वजन चित्ताह्लादीनाम मधुराणाम सुंदरीणाम आकृतिनाम शरीराणाम शरीरावयवानाम वा किम वस्तु मंडनम अलंकरणम शोभावर्धकम न भवति नैव जायते अपितु यावद् वस्तु मात्रम मंडनमेव भवति कंठगतेन विषयेण शिवस्यैव। जैसे कंठ ने शिव की और शोभा बढ़ा दिए, कलंक से चंद्रमा सुंदर लगता है, जल लीली से कमल सुंदर लगता है, उसी तरह जो है यह जो तन्वी है शकुंतला वह भी इस वलकल से और अधिक सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर यह बहुत अच्छा परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण श्लोक पद्य है, इसमें मालिनी छंद है और एक ही सुंदर रम्य होना, दूसरे में शोभा का विस्तार होना, तीसरा अधिक सुंदर लगना, एक ही साधारण धर्म को तीनों चरणों में अलग अलग शब्द से कहा गया है, रम्य तनोति अधिक मनोज्ञा, अतः यहाँ पर प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। और चौथा पाद जो है सुंदर आकृति वालों के लिए क्या शोभादायक नहीं होता है, इस सामान्य
वाक्य से पूर्व के जो तीनों विशेष वाक्य हैं इनका समर्थन किया गया है, अतः यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार भी स्फुट रूप से विद्यमान है। इस तरह से आज आपका 17 जो है पद्य तक का पाठ समाप्त हुआ। आप इसका अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।